नमस्कार, क्या आप भी कर रहे हैं एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम की तैयारी और चाहते हैं पहले ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना? तो आपको ज्वाइन करना होगा स्टडी नाइट का रैपिड बैच। 45 डेज में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों पेपर की। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पेपर करवाएंगे, पेपर वन भी हम ही करवाएंगे, पेपर दो भी हम ही करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग भी, आईटी टूल्स भी। इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, एचपीजी के, करंट अफेयर, नेशनल, इंटरनेशनल, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। और आज इस छोटी सी क्लास में हम देखेंगे जो रोड के ऊपर सिग्नल्स होते हैं, है ना, ये जो ट्रीटी हमारे पास वेना ट्रीटी है उसके हिसाब से ही हम फॉलो करते हैं सिग्नल्स। आज देखेंगे हम कि आप सिग्नल बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं, और आपको पता होने चाहिए। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके बारे में भी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स देंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, मॉक टेस्ट होगी, हर एक चीज आपको मिलेगी जिससे आपको सक्सेस मिले। तो सपना है तो सपने को साकार करना भी पड़ेगा। और ये रही मोटिवेशन, आज की मोटिवेशन देखो क्या है। सफलता की दो सीढ़ियां हैं, निराशा और असफलता। इन दो सीढ़ियों से होकर ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो लंबी छलांग यहां से लगानी होगी। आपको अपने फेलियर से सक्सेस की तरफ आपने जाना है। और ये रहा हमारा पहला सवाल आज का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताइए वाहन में पीछे का मिरर किसके लिए होता है? बताओ, स्वयं का चेहरा देखने के लिए, पीछे बैठे व्यक्ति को देखने के लिए, पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको भी पता है व्हीकल है, व्हीकल यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। बताओ जरा, जो मिरर यहाँ पे यूज होता है, कन्वेक्स मिरर जो लगा होता है, तो वो क्या करता है ना? एक गाड़ियों की हेडलाइट भी होती है, जैसे बस है, एचआरटीसी में बस पे अलग होते हैं, कनकेव मिरर लगे होंगे, लेकिन जो साइड मिरर होता है ड्राइवर साहब के, ठीक है, तो वो कौन है? बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल सही है कि सर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी पीछे आने वाले वाहन को देखने के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दो है कि नशा करके वाहन चलाना क्या है? ऑप्शन ए प्राइवेट वाहन में वर्जित है, रात्रि में वर्जित है, हर तरह के वाहन में हर समय वर्जित है, इनमें से कोई नहीं। आसान से सवाल है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है सभी साइन के ऊपर। नशा करके वाहन चलाना जो है, ऑब्वियसली किसी भी व्हीकल में, हर तरह के वाहन में हर समय इट शुड बी बैंड, है ना, इट शुड बी प्रोहिबिटेड, ठीक है, ये होना नहीं चाहिए, इट शुड बी बैंड, राइट। आगे बढ़ते हैं, बैन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर तीन है, क्या बिना आवश्यकता के बार बार हॉर्न बजाना अपराध है? मतलब यू डोंट नीड, तब भी आप चले हुए हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, क्या बिना आवश्यकता के बार बार हॉर्न बजाना अपराध है? ऑप्शन ए कोई कानून नहीं है, बजा सकते हैं जब मन किया। ऑप्शन बी अपराध है, ऑप्शन सी अपराध नहीं है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी, ये बिल्कुल अपराध है, ठीक है, आपको गिल्टी फील किया जाएगा, ये क्राइम है, ठीक है, इसको मत करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, आप किसी वाहन को किसी कौन सी तरफ से ओवरटेक कर सकते हो? ये बताओ जरा। ओवरटेक, आपको पता है कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं, वो चले होते हैं हर कहीं से, है ना, लेफ्ट से भी, और कहाँ से जाना होता है जनरली? आगे जा रहे वाहन के बाईं तरफ से जाओ, लेफ्ट से जाओ, आगे जा रहे वाहन के दाईं ओर से जाना चाहिए, आगे जा रहे वाहन के किसी भी ओर से चले जाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, इसका सही जवाब होता ऑप्शन है बी, आगे जाने वाले वाहन के दाईं ओर से ही हमेशा ओवरटेक किया जाता है, लेफ्ट से नहीं, बट हाँ कुछ लेफ्ट से भी चले होते हैं, वो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर पांच हमारी स्क्रीन पे पढ़िए, ट्रैफिक सिग्नल में जब भी हमको लाल लाइट दिखती है वो क्या दिखाती है? जब लाल सिग्नल आपको दिख गया रेड है, तो रेड का मतलब क्या है? सावधानी रखकर वाहन को आगे ले जा सकते हैं, वाहन को रोकिए, वाहन को धीरे रखें, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? अब एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है और एक येलो होती है ना, तो इसका सही जवाब होता कि वाहन को रोकिए, आपको रुकना है, अगर रेड है, ग्रीन है तो चले जाइए, और येलो है तो देख के थोड़ा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, दुपहिया वाहन चलाते समय हमें क्या पहनना जरूरी है? हेलमेट, जूते, टोपी, इनमें से कोई नहीं। लड्डू सा सवाल है, दुपहिया वाहन, तो अगर ऐसा वाहन है जिसमें दो टायर हैं,
उसको चलाते समय आपको क्या पहनना चाहिए? जनरली ऑब्वियसली सर, हेलमेट ही लगाना चाहिए, और हेलमेट लगाना जरूरत है ताकि बचाव हो सके हमारा, ठीक है। आगे, कार के चालक एवं अगली सीट पे बैठे व्यक्ति को क्या पहनना जरूरी है? हेडफोन लगाने जरूरी है, चश्मा, सीट बेल्ट, इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, आसान सा है। कार में जो ड्राइवर होता है और ड्राइवर के साथ जो व्यक्ति होता है, अगली सीट पे बैठे हुए व्यक्ति को क्या पहनना जरूरी है? सर, सीट बेल्ट लगानी बहुत ज्यादा जरूरत है, ऑब्वियसली सीट बेल्ट जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिना फुटपाथ की सड़क पे पैदल यात्री को किस तरह चलना चाहिए? सड़क के बाईं ओर, सड़क के दाईं ओर, एक सेकेंड, ठीक है। फुटपाथ जहां पे नहीं है, बिना फुटपाथ की सड़क पे लिखा है, पैदल यात्री को किस तरह चलना चाहिए? सड़क के दाईं ओर, सड़क के किसी भी ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होता ऑब्वियसली ऑप्शन बी, सड़क के दाईं ओर चलना चाहिए, ठीक है, ताकि स्पेस मिले आपके ड्राइवर साहब को सामने। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कच्चा ड्राइविंग लाइसेंस कितनी अवधि तक वैध होता है? जो लर्निंग लाइसेंस होता है उसकी जो अवधि है वो कब तक है? 1 महीना, 6 महीने, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी को पता होगा सर, ऑप्शन बी, 6 महीने तक ये वैलिड होता है, लर्निंग लाइसेंस की वैधता 6 महीने तक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अगर आपके सामने एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति घायल रूप से गंभीर हो जाए तो आप गंभीर रूप से घायल हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? घायल व्यक्ति के संबंधी को संपर्क करेंगे, नजदीकी पुलिस थाने को वहां से भाग जाएंगे, रोगी वाहन को संपर्क करेंगे। आप जा रहे हैं, सडनली कहीं एक्सीडेंट हो गया, दिख गया आपको सामने चोट लगी है, व्हाट विल यू डू इन दैट केस? क्या करेंगे आप? उस जो व्यक्ति है, जो घायल है, उसको आप उसके संबंधी को फोन करेंगे, नजदीकी पुलिस थाने को वहां से भाग जाएंगे, या रोगी वाहन को संपर्क करेंगे यानी एम्बुलेंस को बुलाएंगे, क्या करेंगे आप? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रोगी वाहन को ही आप संपर्क करेंगे, ठीक है। पहला काम जो है आपका यही होना चाहिए कि आप एम्बुलेंस वाले को बुलाएं, हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी उसको ले जाएं और उसे फर्स्ट एड मिल सके ताकि, ठीक है, ये काम आपको करना चाहिए। आगे, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ये वाला यातायात संकेत का क्या अर्थ है? रुकिए, पार्किंग निषेध है, आगे अस्पताल है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है ऑब्वियसली स्टॉप, रुको, ठीक है, रुकना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास यातायात संकेत का क्या अर्थ है, ये देखो, ये लिखा हुआ है, इस तरह से एक साइन है हमारे पास, इस तरह से एक साइन है, ऐसे साइन बनाया हुआ है, इसका मतलब है गाड़ी को मोड़ लें, दाएं और तीव्र मोड़ है, यू मोड़ निषेध है, इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यू मोड़ निषेध है, यू मोड़ नहीं जा सकते हैं, पीछे नहीं आप मुड़ सकते हैं, आगे ही आपको जाना है। यातायात संकेत का क्या अर्थ है? अब यहां देखो जरा, ऐसे को और ऐसे को, ये निषेध है। क्या चीज निषेध है? गाड़ी को सीधे में ले जाएं, दाएं मुड़ना निषेध है, बाएं ओर से ओवरटेकिंग निषेध है, इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी। इस यातायात संकेत का मतलब है कि राइट साइड जाना निषेध है, दाएं मुड़ना निषेध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका संकेत का अर्थ क्या है भाई? ऐसे साइन लगाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? पैदल चलना मना है, ऑप्शन बी आगे जाना मना है, ऑप्शन सी ओवरटेकिंग निषेध है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका मतलब है आगे जाना मना है, ऑप्शन बी आगे जाना मना है। एक्सप्लेनेशन दी है पूरी, आप इसको पढ़ें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना है? आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, ठीक है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आपको सारे चीजें मिल जाएंगी। यातायात संकेत का क्या अर्थ है? ये वाला, अब ये वाला, इसका क्या मतलब है? बाएं मुड़ना निषेध है, आगे जाना या बाएं मुड़ना आवश्यक है, दाएं ओर सड़क है, इनमें से कोई नहीं, ए बी सी डी। यातायात संकेत का अर्थ, अगर ये इस तरफ होता तो सेंस क्या होती, इस तरफ है तो क्या सेंस होगी, दोनों का आपको बताओ, इसका हो जाएगा दाएं ओर सड़क है या फिर बाएं ओर सड़क है, अगर इस तरफ होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यातायात संकेत का क्या अर्थ है? हॉर्न बजाएं, हॉर्न बजाना निषेध है, हॉर्न बजाना अनिवार्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा हॉर्न का आपको साइन दिखता है तो उसका मतलब होता है हॉर्न बजाइए, जरूरत है, हॉर्न बजाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब।
इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? अब ये हॉर्न ही दिख रहा है, लेकिन हॉर्न के ऊपर एक साइन इस तरह से लगा है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है, कृपया हॉर्न दीजिए, हॉर्न बजाना निषेध है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कि हॉर्न बजाना निषेध है, ठीक है, आप नहीं बजा सकते हैं हॉर्न। आगे बढ़ते हैं, यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आपको इस तरह से एक बैलगाड़ी दिख रही होगी, ठीक है, एक बैलगाड़ी है, तो यहाँ पे साइन लगा दिया है ऐसा वाला, क्या मतलब हो इसका? सभी प्रकार के वाहन जा सकते हैं अंदर, बैलगाड़ी निषेध है, साइकिल निषेध है, इनमें से कोई नहीं। तो इस यातायात संकेत का जो अर्थ है वो है बैलगाड़ी जो है वो निषेध है, ठीक है, ये वाली। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? एक छोटा साइन और उसको आप इस तरह से कुछ कर रहे हैं, एक बड़ा साइन इस तरह से, और वो चीज यहाँ पे बैन दिखाई हुई है। मतलब ऑप्शन ए दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति से वाहन चलाएं, ओवरटेकिंग निषेध है, किसी भी गति से वाहन चलाएं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओवरटेक नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, आप पास नहीं ले सकते हैं, ओवरटेकिंग निषेध है। आगे बढ़ते हैं, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? इसका क्या संकेत, इसका मतलब बताइए जरा, इस तरह से लगाया हुआ है, वाहन पार्क करना वर्जित है, वाहन पार्क करना मान्य है, वाहन रोकना एवं खड़ा करना वर्जित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होता ऑप्शन सी, रोकना, उसको रोकना भी एवं खड़ा करना वर्जित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के नजदीक ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, ये आप सारा पढ़ लेना फिर अच्छे से, ठीक है। इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आगे इस तरह से आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए अगर ये साइन हो तो पैदल यात्री पारपथ है, आगे स्कूल है, पैदल यात्री द्वारा रास्ता पार करना वर्जित है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब है कि आगे स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे जब आपको दिखते हैं तो आगे स्कूल है, कृपया धीरे गति जो है वो धीरे कर दें, धीरे चलाएं गाड़ी। और इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है बताइए जरा? आगे इस तरह से आपको दिख रहा होगा, विड्थ ज्यादा है और फिर एकदम विड्थ जो है वो कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ? आगे सड़क तंग है, आगे सड़क खराब है, आगे सड़क चौड़ी है, इनमें से कोई नहीं। इस साइन का मतलब ये है कि आगे सड़क तंग है, पहले सड़क चौड़ी थी फिर कम हो गई, ठीक है, एरिया कम है वहां पे, इसलिए ये वाला साइन आ जाएगा। यातायात संकेत का क्या अर्थ है? अब इस तरह से संकेत दिया हुआ है, इस तरह से क्या मतलब है इसका? आगे तंग पुल है, आगे सड़क खराब है, आगे पुल टूटा है, इनमें से कोई नहीं। ये जो ये साइन है इसका मतलब होता है आगे तंग पुल है, छोटा है, पहले बड़ा फिर उस तरह से पुल है आगे, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ब्रिज है आगे। क्वेश्चन नंबर 24वां सवाल है, यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आपको एक बेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो बताइए ये साइन किस चीज का हो सकता है? ये स्कूल का है, अस्पताल का है, पुलिस थाने का है, ये साइन किसका है? ऐसे सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। यातायात संकेत का जो अर्थ होता है वो है ऑप्शन सी, आगे अस्पताल है, ठीक है, हॉस्पिटल का ये साइन है। क्वेश्चन नंबर 25वां सवाल है, यातायात संकेत का क्या अर्थ है? आगे रास्ता खराब है, देखो यहाँ गाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ दीजिए ध्यान जरा, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, आगे तीव्र ढलान है, साइड की समतल सड़क है, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इस यातायात संकेत का जो अर्थ है दैट इज ऑप्शन बी, आगे तीव्र ढलान है। तो ये थे आज के 25 सवाल, आई होप आप सभी को बढ़िया लगे होंगे। इसी तरह से आपको आईटी टूल्स में सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो मोटर व्हीकल एक्ट हो, चाहे जीपीएस की बात हो, चाहे एचआरटीसी की वेबसाइट है, चाहे हमारे करंट जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स आई हैं रिलेटेड टू योर एचआरटीसी डिपार्टमेंट, और करंट अफेयर, करंट मिनिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि सवाल वही है, ठीक है। तो अगर आपने जुड़ना है हमारे साथ तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिख रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए और बाय करिए 45 डेज का क्रैश कोर्स, रैपिड बैच होगा ये एचआरटीसी के लिए, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं और आप कंडक्टर बन सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। सो थैंक यू सो मच, सभी को जय श्री राम, ओके जी।